Very good afternoon, dear students. Yesterday we started the chapter number 11, our environment, हमारा वातावरण. तो हमारे surroundings, हमारे चारों ओर जो भी माहौल होता है उसको हम environment बोलते हैं. तो yesterday I told you कि हमारे वातावरण को एक अच्छा जीवन जीने के लिए हमारे environment को क्लीन रखना बहुत जरूरी है. बिल्कुल फ्रेश एंड क्लीन एयर चाहिए होती है हमें जीने के लिए, पानी चाहिए होता है साफ. तो अपना एनवायरनमेंट फ्रेश एंड क्लीन रखना हमारे लिए बहुत जरूरी है, हम सबके सर्वाइवल के लिए. तो यहाँ से स्टार्ट किया था हमने प्रोटेक्टिंग अवर एनवायरनमेंट, हमारे वातावरण की सुरक्षा करना. देयर आर सर्टेन डूज एंड डोंट्स that we should follow to protect our environment. Certain, कुछ निश्चित do's, do's मतलब करने वाले काम जिन्हें हमें करना चाहिए, और don'ts मतलब ना करने वाले काम जिन्हें हमें नहीं करना चाहिए. Do's and don'ts, करने वाले काम और ना करने वाले काम. तो certain do's और don'ts हैं जिन्हें कि हमें follow करना चाहिए, जिनका हमें पालन करना चाहिए अपने एनवायरनमेंट को, अपने एनवायरनमेंट की रक्षा करने के लिए, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए. व्हाट वी शुड डू, हमें क्या करना चाहिए. तो क्या करना चाहिए हमें, वी कैन सेव द एनवायरनमेंट बाय, हम अपने एनवायरनमेंट को कैसे सेव कर सकते हैं. नंबर वन, मिनिमाइजिंग द यूज ऑफ फायरवुड, कोल एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स. मिनिमाइजिंग का मतलब है कम से कम करना किसी चीज को, और कम, जितना कम आप कर सकते हो उतना कम कर दो. कि इसके यूज को कम से कम करना, किसके यूज को, फायरवुड जलाने वाली लकड़ी के यूज को, कोल कोयला, और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जो पेट्रोलियम से बने हुए प्रोडक्ट होते हैं, इन सब का यूज हमें कम से कम करना चाहिए. आपको मालूम है गांवों में चूल्हे में लकड़ी जलाते हैं, और किसी और जगह भी जैसे आजकल ये पराली वराली जलाते हैं खेतों में, तो कहते हैं ना कि ये पराली नहीं जलानी चाहिए, इससे एयर पॉल्यूशन पैदा होता है. कोल कोयला जलाना. पेट्रोलियम प्रोडक्ट में क्या क्या आता है, जैसे स्कूटर्स में, व्हीकल्स में पेट्रोल डलता है, डीजल डलता है, जो आपके घर में खाना बनाने वाली गैस होती है वो भी एक पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, वो भी पेट्रोलियम से पैदा होती है. एलपीजी गैस बोलते हैं ना उसको, उसका पूरा मतलब होता है लिक्विड पेट्रोलियम गैस. तो लकड़ी, कोयला और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जो हैं, इनका यूज हमें कम से कम करना चाहिए ताकि पॉल्यूशन कम हो. यूजिंग रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज लाइक सोलर एनर्जी. रीन्यूएबल कि हमें नए नए सोर्सेज जो, जिनका हम दोबारा से यूज कर सकते हैं, वो हमें एनर्जी के सोर्स को हमें यूज करना चाहिए. जैसे कि सोलर एनर्जी, सौर ऊर्जा. सोलर एनर्जी का मतलब है सूर्य से मिलने वाली ऊर्जा, सूर्य से मिलने वाली एनर्जी. तो सूर्य की एनर्जी को, सन सोलर एनर्जी को हम कैसे यूज कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल सोलर कुकर, हमें सोलर कुकर का यूज करना चाहिए और सोलर हीटर्स का यूज करना चाहिए. कैन बी यूज फॉर हीटिंग वॉटर एंड कुकिंग, पानी को गर्म करने के लिए और कुकिंग करने के लिए हम सोलर कुकर और सोलर हीटर को यूज कर सकते हैं. ये आप पिक्चर में देख सकते हो क्या लिखा हुआ यहाँ पर, यूज सोलर कुकर टू सेव एनर्जी. ये सोलर कुकर होता है, ये एक तरह का बॉक्स होता है, इसके अंदर ब्लैक कलर का पेंट होता है और यहाँ पर एक शीशा लगा होता है. तो इसके अंदर अगर हम बर्तन को, इसके अंदर खाना डालकर रख देते हैं और इसको धूप में रख देते हैं, तो सूर्य की ऊर्जा से, सोलर एनर्जी से वो खाना पक जाता है. सोलर एनर्जी से इस बर्तन में खाना पक जाता है. ऐसे ही सोलर हीटर भी होते हैं जिससे कि पानी गर्म हो जाता है. आप लोगों ने देखा होगा आजकल जो नए घर बनते हैं ना, तो उनकी छत पर सोलर प्लांट लग जाता है बहुत बड़ा सा. आपके स्कूल में भी लगा हुआ है छत पे सोलर प्लांट. तो उससे क्या होती है, हमें सोलर एनर्जी मिलती है जिसको कि हम यूज कर सकते हैं खाना बनाने के लिए, पानी गर्म करने के लिए, इवन कहीं कहीं तो ये इलेक्ट्रिसिटी भी देता है. क्लोजिंग टैप्स वाइल ब्रशिंग टीथ
और इमीडिएटली आफ्टर यूज टू सेव वाटर। हमें टैप्स को बंद कर देना चाहिए वाइल ब्रशिंग टीथ। जब आप अपने दांतों पर ब्रश कर रहे होते हो तो हमें अपने टैप्स को बंद कर देना चाहिए, या फिर इमीडिएटली आफ्टर यूज, कि जब आपको पानी की जरूरत है तब आपने पानी को यूज किया और उसके बाद इमीडिएटली तुरंत बंद कर दिया टैप को, टू सेव वाटर, पानी बचाने के लिए। जब भी आपको पानी से कोई काम होता है, फॉर एग्जाम्पल आप ब्रश कर रहे होते हो, तो वॉश बेसिन में टैप को खुला नहीं रखना चाहिए। जितनी देर आप दांतों पर ब्रश कर रहे हो टैप को बंद रखो, जब आपको जरूरत है टैप खोलो, पानी को यूज करो, और जैसे ही आपका यूज खत्म हो गया तुरंत टैप को बंद कर दो, पानी को वेस्ट मत होने दो कि बिना जरूरत के पानी टैप से बहता रहे। तो इमीडिएटली आफ्टर यूज आपको टैप्स को क्लोज कर देना चाहिए। नेक्स्ट वन इज स्टोरिंग रेन वाटर इन टैंक्स इन द ग्राउंड और इन बकेट्स। जो रेन वाटर, बारिश का पानी, रेन मतलब बारिश, वाटर मतलब पानी, बारिश के पानी को स्टोर करना चाहिए। कहाँ करना चाहिए? टैंक्स के अंदर, इन द ग्राउंड। टैंक्स इन द ग्राउंड, जमीन के अंदर कुछ लोग टैंक बनवा लेते हैं और उसके अंदर ये सिस्टम बनवा लेते हैं कि बारिश का पानी इकट्ठा होके पाइप के थ्रू उस टैंक में इकट्ठा हो जाए, या तो उस टैंक में इकट्ठा करना चाहिए रेन वाटर को, और इन बकेट्स, या आप उसको बाल्टी में इकट्ठा करो। This stored water can be used for watering plants and for washing cars, etc. तो जो ये स्टोर किया गया पानी होता है, अब कुछ लोग कहेंगे कि बारिश का पानी तो गंदा होता है, वो खाना बनाने के लिए पीने के लिए यूज नहीं कर सकते। ठीक है बात आपकी, वो ज्यादा प्योर नहीं होता, आप उसको पीने के लिए या खाना बनाने के लिए यूज नहीं कर सकते, लेकिन इस स्टोर किए गए पानी को आप कहाँ यूज कर सकते हो? इट कैन बी यूज फॉर वॉटरिंग प्लांट्स। प्लांट्स को पानी देने के लिए आप इस रेन वाटर का यूज कर सकते हो, या फिर बाहर गाड़ियों को धोने के लिए आप इस पानी का यूज कर सकते हो। तो जो प्योर वाटर होता है, जो साफ पानी होता है हमारे खाने पीने के लिए, तो उसको हमें गाड़ियां धोने के लिए इस्तेमाल करके वेस्ट नहीं करना चाहिए। आप रेन वाटर का यूज इस काम के लिए कर सकते हो। कार पूलिंग और यूजिंग पब्लिक ट्रांसपोर्ट टू रीच ऑफिस और स्कूल। कारपूलिंग, कारपूलिंग क्या होती है? आपको मालूम है कारपूलिंग क्या होती है? फर्स्ट आप अंडरस्टैंड कीजिए कि कारपूलिंग क्या होती है। मान लो आपके पापा को ऑफिस जाना है, एक मान लो एक जगह का नाम है कमेटी चौक, कमेटी चौक में ऑफिस है, तो आपके पापा को वहीं जाना है, तो आपके पड़ोस में दो घर छोड़ के एक और घर है, उस अंकल को भी वहीं पर जाना है, आपको भी रास्ते में ही कहीं उतरना है, किसी मार्केट में जाना है, आपको भी वहीं जाना है। तो अगर ये तीन चार लोग अलग अलग व्हीकल लेके जाएंगे, चार व्हीकल लेके जाएंगे, तो चारों व्हीकल्स में पेट्रोल लगेगा, पेट्रोल का यूज होगा, और चारों व्हीकल्स ही धुआं छोड़ेंगे तो वो एयर पोल्यूशन फैलाएंगे और सड़क पर भीड़ भी बढ़ जाएगी। तो अगर चार लोग एक ही कार में चले जाए, चार या पांच लोग अगर एक ही कार में चले जाएंगे कि उनको एक ही साइड पे जाना है, तो पांच व्हीकल ले जाने के बजाय वो एक व्हीकल लेके जाएंगे, तो सड़क पर भीड़ भी कम होगी, पेट्रोल भी एक गाड़ी में लगेगा, धुआं भी एक ही गाड़ी से निकलेगा, तो हो गया ना पॉल्यूशन कम। तो जब एक ही जगह पर जाने वाले लोग एक ही व्हीकल का यूज करते हैं तो उसको पूलिंग बोलते हैं, पूलिंग। अगर वो कार से जा रहे हैं तो उसको कार पूलिंग बोलेंगे। मतलब कि पांच लोग अगर जा रहे हैं, चार या पांच लोग जा रहे हैं, वो अलग अलग व्हीकल्स पर जाने के बजाय अगर वो एक ही व्हीकल से जाएंगे तो उसको पूलिंग बोलते हैं, कि वो पूल करके जा रहे हैं। तो कार पूलिंग और यूजिंग पब्लिक ट्रांसपोर्ट, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करने का मतलब है कि पांच लोग अपने स्कूटर बाइक कार से ना जाके पब्लिक बस से चले जाएं। बस तो जा ही रही है वहां पर, बस एक साथ 60 लोगों को बैठा के ले जा सकती है, 50 से 60 लोगों को ले जा सकती है, और अगर वही 50 या 60 लोग अलग अलग स्कूटर बाइक या कार लेकर जाएंगे तो कितनी भीड़ हो जाएगी सड़कों पे, कितना पेट्रोल खर्च हो जाएगा, कितना गाड़ियों से धुआं निकलेगा। वो 40-50 लोग अलग अलग जाने के बजाय एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट यानी कि बस से भी जा सकते हैं, तो इससे क्या होता है, पॉल्यूशन कम होता है
और हमारे एनवायरमेंट की सुरक्षा होती है। इस सेंटेंस को दोबारा पढ़ेंगे, इस लाइन को, कारपूलिंग और यूजिंग पब्लिक ट्रांसपोर्ट टू रीच ऑफिस और स्कूल, कि ऑफिस जाने के लिए या स्कूल जाने के लिए हमें कारपूलिंग या फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करना चाहिए। पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज यहाँ पर स्कूल के बच्चों के लिए दिया गया है, एक बस आती है आपके गांव से, वो एक साथ इतने सारे बच्चों को लेके आ जाती है, और अगर हर बच्चा अपने अपने अलग अलग व्हीकल पर आए तो कितनी मुश्किल हो जाएगी, उन व्हीकल्स को रखने की भी दिक्कत हो जाएगी, भीड़ भी बहुत हो जाएगी और बहुत सारा पेट्रोल वेस्ट होगा और बहुत सारा एयर पोल्यूशन भी पैदा होगा उनके धुएं से। तो वी शुड यूज पब्लिक ट्रांसपोर्ट एंड वी शुड यूज कार पूलिंग। ये पिक्चर्स में आप देख सकते हो, डू नॉट लीव द टैप ओपन, इस तरह से टैप को ओपन करके नहीं छोड़ देना चाहिए, ये पानी बह बह कर सारा वेस्ट हो जाता है। पानी हमारे लिए बहुत प्रेशियस है, हमें नेचर ने वाटर दिया है यूज करने के लिए, हमारे लिए बहुत प्रेशियस है, तो हमें पानी को सोच समझ कर यूज करना चाहिए। आपको बताया गया है कि टू थर्ड ऑफ द अर्थ सरफेस इज वाटर, माना कि ज्यादा पानी है लेकिन पीने लायक पानी बहुत कम है, वो सारा पानी साफ नहीं है जिसको आप पीने के लिए आप यूज कर सकते हो। और इस पिक्चर में देखो, स्विच ऑफ लाइट्स व्हेन नॉट इन यूज, लाइट्स को स्विच ऑफ कर देना चाहिए जब यूज में नहीं होते हो। जब आप रूम में होते हो, आपको पढ़ाई कर रहे हो, लाइट चल रही है, और अगर गर्मी का मौसम है तो पंखा चल रहा है, एसी चल रहा है, और अगर आप अपना काम खत्म करने के बाद रूम से बाहर चले जाते हो तो आपको लाइट पंखा एसी चलता छोड़ के नहीं जाना चाहिए, आपको लाइट्स बंद कर देनी चाहिए। दिन के समय बहुत रोशनी होती है कमरों में, सूरज की रोशनी आती है, तो दिन के समय तो जरूरत ही नहीं है लाइट्स की, उस टाइम भी आप अवॉइड करो लाइट्स को यूज करना। और जब भी आप कमरे से बाहर जाते हो तो लाइट्स के स्विच जो हैं वो बंद करके जाओ, एसी कूलर या पंखा बंद करके जाओ। टर्निंग ऑफ इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस व्हेन नॉट इन यूज, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को ऑफ कर देना चाहिए जब वो यूज में नहीं होते हैं। तो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस कौन से होते हैं, अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया है, एक तो लाइट पंखा एसी कूलर ये हो गए, किचन में मिक्सी होती है, अगर मिक्सी आप यूज नहीं कर रहे हो तो पीछे उसका स्विच ऑन नहीं रहना चाहिए, उसको बंद कर दो। इलेक्ट्रिक टोस्टर, सैंडविच मेकर, जो आपकी मम्मा यूज करती है आपको सैंडविच बना के देती है, व्हेन दे आर नॉट इन यूज उनको बंद कर देना चाहिए। आपकी मम्मा कपड़े पे प्रेस करती है, गलती से भी प्रेस खुली ना रह जाए, उससे नुकसान भी हो सकता है और बिजली वेस्ट होती रहती है। दूसरी बात, आजकल सब लोग अपने मोबाइल्स लैपटॉप चार्ज करते हैं, चार्जर से चार्ज करते हैं ना मोबाइल वगैरह, तो क्या करते हैं, जब मोबाइल चार्ज हो जाता है तो मोबाइल तो अपना उतार लेते हैं, वो तार भी वहीं पे टंगी रहती है और स्विच भी उसका ऑन रहता है, ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए, उससे भी लाइट वेस्ट होती रहती है, जो बिजली होती है वो वेस्ट होती रहती है। जब आपका मोबाइल चार्ज हो गया है, आप मोबाइल तार से अपना तार को हटाते हो मोबाइल से, तो उसका स्विच जो है वो बंद कर देना चाहिए। तो किसी भी तरह का इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, जो बिजली से चलने वाली मशीनें होती हैं, कोई भी काम हो बिजली वाला, जब आपने उसका काम कर लिया, जब वो यूज में नहीं है तो उनको ऑफ कर देना चाहिए। आस्किंग योर पेरेंट्स टू गेट देयर व्हीकल्स पॉल्यूशन चेक, अपने पेरेंट्स को बोलो कि वो अपने व्हीकल्स का पॉल्यूशन चेक कराएं। अभी जैसे हम बहुत बार बात कर चुके हैं कि व्हीकल्स के अंदर से धुआं निकलता है, उस धुएं से एयर पोल्यूशन होता है, तो समय समय पर अपने घर के व्हीकल्स को, स्कूटर को, बाइक को, कार को, या कोई और व्हीकल अगर है तो जो भी व्हीकल है उसका पोल्यूशन चेक कराते रहना चाहिए कि वो जरूरत से ज्यादा धुआं ना छोड़े। तो अपने व्हीकल्स को टाइम टू टाइम चेक कराकर उनका पॉल्यूशन सर्टिफिकेट हमें लेते रहना चाहिए। यूजिंग CFL बल्ब्स, कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लाइट बल्ब, CFL की फुल फॉर्म है कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लाइट बल्ब्स, जो CFL बल्ब है उनको यूज करना चाहिए। आजकल जो बल्ब आते हैं ना, व्हाइट से कलर के छोटी सी ट्यूब लगी होती है, उनको CFL बल्ब बोलते हैं। पहले जमाने में
ट्रांसपेरेंट से गोल बल्ब हुआ करते थे, उसमें बिजली ज्यादा लगती थी। उनको जलाने में रोशनी उनसे भी मिलती थी, उनसे थोड़ी पीली पीली रोशनी मिलती थी, लेकिन उनको जलाने में बिजली ज्यादा खर्च होती थी। आजकल जो न्यू टेक्निक के CFL बल्ब आ गए हैं, इस तरह के, ये देखो व्हाइट कलर के बल्ब हैं, ये इनको बोलते हैं CFL बल्ब। तो इस तरह के बल्ब्स को यूज करना चाहिए, इसमें इलेक्ट्रिसिटी कम खर्च होती है, कम कंज्यूज होती है। दे यूज ओनली 1/4 ऑफ एनर्जी एज कंपेयर टू अदर बल्ब्स। 1/4 मतलब 1/4, आधी से भी आधी। जितनी पुराने बल्ब में बिजली यूज होती थी उसकी आधी की भी आधी, चौथाई हिस्सा, 1/4 एनर्जी यूज होती है पिछले बल्बों की अपेक्षा। इसमें पुराने बल्बों की अपेक्षा 1/4 एनर्जी यूज होती है। दे कॉस्ट मोर मनी, इनकी कॉस्ट जो होती है ज्यादा होती है, मतलब ये महंगे होते हैं, ये खरीदने में महंगे जरूर होते हैं, बट लास्ट लॉन्गर, लास्ट मैंने चलते हैं, इनकी लाइफ ज्यादा होती है, लॉन्गर मैंने ज्यादा, लेकिन ये लंबे समय तक चलते हैं साधारण बल्बों की अपेक्षा, ऑर्डिनरी बल्ब्स। ऑर्डिनरी मतलब का इनका मतलब है साधारण बल्ब। इनकी कीमत ज्यादा होती है, लेकिन ये साधारण बल्ब के बजाय ज्यादा लंबे समय तक चलते हैं। रनिंग डिश वॉशर एंड वॉशिंग मशीन्स ओनली विथ फुल लोड, इसका क्या मतलब है? रनिंग, रनिंग मतलब चलाना। डिश वॉशर, डिश वॉशर क्या होती है? बर्तन धोने की मशीन। हमारे यहाँ ये कम पॉपुलर है, अभी साधारण लोग इसको यूज नहीं करते हैं, लेकिन फॉरेन कंट्रीज में सब लोग काम पे जाते हैं तो सबके घरों में बर्तन धोने की भी मशीन होती है। तो जो डिश वॉशर होता है और वॉशिंग मशीन, वॉशिंग मशीन तो सबके घरों में होती है, सबको पता है कि क्या होती है, कपड़े धोने की मशीन। तो कपड़े धोने की मशीन और बर्तन धोने की मशीन को फुल लोड से धोना चाहिए। क्या मतलब है इसका? कि ये नहीं कि 2-3 बर्तन है उसके लिए हमने डिश वॉशर लगा दिया और 2-3 कपड़े हैं उसके लिए हमने वॉशिंग मशीन लगा दी, नहीं। तो जितने कपड़े धोने लायक वो मशीन है, जितना वेट वो सहन कर सकती है, तो फुल लोड, जितने कपड़े उसमें आ सकते हैं, मान लो एक मशीन में एक बार में 15 कपड़े धुल सकते हैं, तो 15 कपड़ों का लोड होने पर ही हमें मशीन लगानी चाहिए। ये नहीं कि 3-4 कपड़े है तो हमने मशीन लगा दी, 3-4 बर्तन है तो हमने मशीन लगा दी, तो उससे क्या होगा, बिजली भी वेस्ट होगी, पानी भी वेस्ट होगा, और उसको साफ करने के लिए जो हम सर्फ या साबुन यूज करते हैं वो भी वेस्ट होगा। तो सब चीजें वेस्ट करने के बजाय जब आपके पास फुल लोड हो जाए, सफिशिएंट बर्तन या सफिशिएंट कपड़े हो जाएं, तो तभी हमें डिश वॉशर या वॉशिंग मशीन का यूज करना चाहिए। यूजिंग एनवायरमेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट्स, जो वातावरण को ठीक रखते हैं प्रोडक्ट्स, एनवायरमेंट फ्रेंडली का मतलब जो वातावरण को नुकसान ना पहुंचाएं, उनके दोस्त हों, वातावरण के जो दोस्त हों, वैसे प्रोडक्ट्स हमें यूज करना चाहिए। लाइक रिसाइकल्ड पेपर, कि पेपर वो वाला यूज करो जिसको रिसाइकल किया जा सके, जो एक बार होने के बाद वेस्ट हो गया और वो दोबारा काम नहीं आता, वातावरण को भी नुकसान पहुंचाता है, तो वो चीजें हमें यूज नहीं करना चाहिए। जैसे कि पॉलिथिन बैग्स, पॉलिथिन बैग आपका फट गया, आपने यूज किया वो फट गया, आप डस्टबिन में फेंक देते हो, उसके बाद वो बाहर सड़क पे फेंक देते हो, वो वातावरण को खराब करता है, क्योंकि वो कभी खत्म ही नहीं होता, मिट्टी में दबने के बाद भी खत्म नहीं होता, वो मिट्टी को भी नुकसान पहुंचाता है और हवा को भी नुकसान पहुंचाता है। तो हमें एनवायरमेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट्स यूज करने चाहिए, जैसे कि रिसाइकल्ड पेपर। कैरी योर ओन रीयूजेबल बैग्स टू मार्केट्स, मॉल्स एटसेट्रा। अपने रीयूजेबल, रीयूजेबल का मतलब है दोबारा यूज हो सकने वाले अपने बैग उठाओ। जैसे पुराने समय में, पुराने जमाने में लोग जब मार्केट जाते थे तो घर से कपड़े का थैला साथ लेकर जाते थे सामान लाने के लिए। अगर कोई व्यक्ति सामान लाने के लिए मार्केट जाता था तो वो अपने साथ कपड़े का थैला साथ लेकर जाता था। पहले ये पॉलिथिन बैग नहीं मिलते थे मार्केट में, तो अब पॉलिथिन मिलने लग गए तो लोगों ने अपने बैग ले जाने बंद कर दिए, तो वो गलत बात है। उस पुरानी आदत को दोबारा अपनाओ, घर से अपने बैग साथ लेके जाओ अगर आपको सामान लेके आना है तो, क्योंकि पॉलिथिन वाले बैग जो है हमारे एनवायरमेंट को नुकसान पहुंचाते हैं, नहीं तो फिर रिसाइकल्ड पेपर वाले बैग यूज करने चाहिए। द लास्ट वन, प्लांटिंग मोर एंड मोर ट्रीज। मोर एंड मोर, ज्यादा से ज्यादा, ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने चाहिए।
ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने से क्या होता है, हमारी हवा जो है वो सुरक्षित रहती है, फ्रेश रहती है, क्लीन रहती है, उससे ऑक्सीजन लेवल हमारी हवा में बढ़ जाता है, तो हमारी हवा साफ सुथरी रहती है। दूसरा, पेड़ लगाने से जो उसकी पेड़ों की जड़ें होती हैं वो मिट्टी को पकड़ के रखती हैं, तो मिट्टी नहीं बहती है हमारी, जो सॉइल होती है वो बहकर वेस्ट नहीं होती है, वो खराब नहीं होती है, और मिट्टी के अंदर भी उसकी उपजाऊ शक्ति जो है वो बनी रहती है। तो ट्रीज जो है हर तरह से फायदेमंद है, हमें भोजन देते हैं, हवा देते हैं, और हमारे एनवायरमेंट को भी क्लीन रखते हैं। तो आगे है व्हाट वी शुड नॉट डू, ये हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।